देशभर के अलग अलग हिस्सों में मॉनसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच अब कुछ राज्यों में आज 3 अगस्त तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से मध्य में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की होने की संभावना है। मध्य प्रदेश को ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का अवार्ड दिया गया। इसका मतलब होता है सबसे तेजी से उभरता राज्य। अवार्ड आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश को मिला है। देश के बेस्ट स्टूडियो स्टेट का अवार्ड तेलंगाना को दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन बानखेड़ा प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट में 11,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। 2016 के धरना प्रदर्शन के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। शहर पहुंचे नगरीय प्रशासन कैलाश मंत्री विजय वर्गीय विवादों में घिर गए और उनके एक बयान में राजनीति शुरू हो गई। दरअसल नवगठित मैहर जिले के विकास से जुड़े मुद्दे पर मैहर के स्थानीय पत्रकार ने सवाल शुरू किया। इस बीच मंत्री विजय वर्गीय मुस्कुराने लगे। इसके बाद कहा कि आप मुझसे छोटे मोटे सवाल नहीं पूछो, पूछना है तो प्रदेश स्तर के सवाल पूछो। मुरैना में लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 29 जुलाई को व्यापारी संदीप बघेल ने 35,000 रुपए की लूट हुई थी। व्यापारी गांव में अपना सामान बेचकर लौट रहे थे, तभी आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। इंदौर में MPPSC पर नकली पेपर टेलीग्राम पर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी राजस्थान के झुंझुनू जिले का 10वीं का छात्र निकला। आरोपी ने कुछ स्टूडेंट्स के खाते में पैसे भी डलवाए थे। UGC नेट के मामले में CBI और IB ने भी नाबालिग से पूछताछ की है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। कच्चापाल की पहाड़ियों पर यह मुठभेड़ हुई है। जवानों की जवाबी कार्रवाई से नक्सली भाग निकले। मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ है। मौके पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए 5-5 किलो के पाइप बम को जवानों ने निष्क्रिय कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में चला बड़ा हादसा। राष्ट्रीय बाल आयोग के कार्यक्रम में शामिल होने CM पहुंचे थे। भोपाल में एक निजी कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कॉलेज के जिस लिफ्ट का CM यादव ने इस्तेमाल किया था उसमें थोड़ी देर बाद खराबी आ गई। 2 युवकों को लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला पड़ा। अनुशासनहीनता के आरोपों मध्य प्रदेश पुलिस के 19 कांस्टेबलों को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। मंदसौर SP अनुराग सुजानिया ने बताया कि जवानों को बैंड में भाग लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने आदेशों का पालन नहीं किया, जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। सागर में यात्री बसों से सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी खबर है। पुनः पुराना बस स्टैंड चालू करने की मांग को लेकर ऑपरेटर हड़ताल पर जा रहे हैं। 5 अगस्त की सुबह 6 बजे से ही यात्री बसों के पहिए थम जाएंगे।